सर मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ अपने फ्यूचर को लेके सर, ऐसा कोई ये झिझक नहीं है कि मैं आगे जाके क्या करूँगा। सर ऐसा था कि शुरू से ही मेरा ऐसा ड्रीम जैसा रहता है गांव में सर, एक प्रचलन है कि फ़ौज में बंदम लोग जाना चाहते हैं, तो शुरू से ही मेरा एक ये था, पैशन था कि मैं फ़ौज ज्वाइन करूं। तो उसके बाद मैं प्रिपेयर कर रहा था पहले से ही, तो फिर अग्निपथ स्कीम आई सर, और इसके तहत मैं अभी अंदर आया हूँ सर। एंड सर फीलिंग बहुत ग्रेट है सर, जैसे मैं सिविल में था मैं अपना आप में महसूस करता हूँ कि सर खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड वेल डिसिप्लिन महसूस करता हूँ सर। और क्या डेली रूटीन वर्क रहता है, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं क्या रूटीन वर्क रहता है डेली अग्निवीर का? हाँ सर, सामान्यतः हम लोग 5 बजे उठते हैं सुबह में सर, 5:30 से हमारा हेल्थ रन रहता है जो कि एक नॉर्मल लोगों के हेल्थ के लिए ज़रूरी है सर। उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और ड्यूटी के लिए सर, जो भी ड्यूटी हमारा असाइन रहता है उसके लिए हम ड्यूटी के लिए 7:30 बजे अपने स्क्वाडन आते हैं। फिर ड्यूटी यहाँ से 2:30 बजे हम लोग पैकअप, जैसे काम ख़त्म हो गया तो 2:30 बजे पैकअप करते हैं, उसके बाद लंच किए, फिर उसके बाद अपना पर्सनल जो काम्स होते हैं वो करते हैं सर, जैसे कि अपना आगे के पढ़ाई के लिए ग्रेजुएशन, जैसे हम यहाँ मौका दिया गया है इग्नू से करने के लिए सर, तो उसके लिए पढ़ाई वगैरह करते हैं। फिर शाम में हमारी पीटी होती है सर 5 बजे से, फिर पीटी के बाद वो एनआरसी, फिर डिनर, फिर एनआरसी, उसके बाद सर 10 बजे तक हमारी लाइट्स ऑफ हो जाती है, हम लोग सो जाते हैं सर। अभी आपकी क्या एज है? और सबके मन में सवाल एक ही रहता है, जो अग्निवीर बनना चाहता है आपके मन में भी होगा अग्निवीर बनने से पहले सर, कि आखिरकार 4 साल बाद क्या करेंगे, कितना हमारे पास फाइनेंशियल मजबूती मिलेगी, ये सवाल पूरे हुए और क्या क्या सोचा है आगे फ्यूचर को लेकर? सर मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ अपने फ्यूचर को लेकर सर, ऐसा कोई ये झिझक नहीं है कि मैं आगे जाके क्या करूँगा। पहले तो सर मैं यहाँ सामान्य कैडर की तरह मैं आगे रहना चाहूँगा सर, क्योंकि मैंने अभी 1 साल हमारी सर्विस की हो गई सर, तो मैंने यहाँ का माहौल देख लिया सर और काफ़ी फीलिंग गुड रहा है हमारा, और फैमिली भी सर बहुत खुश हैं, और गाँव के लोग भी मतलब ऐसा है कि वो अच्छा फील करते हैं कि हमारे गांव का कोई बंदा है जो फौज में गया है सर। और बात रही सर फ्यूचर की 4 साल के बाद की सर, तो ऐसा कोई वो बड़ी सर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से हम इग्नू के थ्रू ग्रेजुएशन करने का हमें मौका मिल रहा है सर, फिर एक फेयर अमाउंट हमें 12 लाख अप्रॉक्स 12 लाख दिए जा रहे हैं सर, जो कि सर आगे हमें कुछ भी करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगी सर। और हमें सर यहाँ एक कौशल सर्टिफिकेट दिया जाएगा सर, जो हमारे काम के बेसिस पे होगा, हमारी स्किल्स के बेसिस पे होगा, जो हमें सिविल में कहीं भी जॉब करने के लिए काफ़ी मदद करेगी। दे आर वेल मोटिवेटेड एंड एंथुसियास्टिक एंड विलिंग टू लर्न, दे हैव गॉट द ईगरनेस टू लर्न एनीथिंग, गाइड देम प्रॉपरली एंड दे आर लर्निंग very fast. They are digitally oriented. Our aircraft is also digital aircraft. So they are new generation guys. They perform very well.